माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब के इस गुरु माता पिता सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। देखिए बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं लेकिन वहाँ अनुत्तरित हो रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत भ्रम होता है और हम अच्छे खासे टैलेंटेड होते हुए भी वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाते। ये जो शो है ये ऐसे ही लोगों के लिए है जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो लोग जिज्ञासु हैं, जिन्हें प्रश्नों के उत्तर चाहिए और जिनके पास ढेर सारे प्रश्न होते हैं और जिनमें वो ताकत है कि जब उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जब उनको कोई कुछ तरीके सिखाएगा तो वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। ये शो आपके जीवन का ऐसा ही एक सहारा होगा, ऐसा ही एक आसरा होगा। आज का विषय क्या है? आज मैं बात करूंगा मन पर, थॉट प्रोसेस पर। आज मैं बात करना चाहता हूं थॉट पावर पर। विचार क्या है, कहां से अवतरित होते हैं, ये विचार रहते कहां हैं, चले कहां जाते हैं, ये इतना दंगल हमारे दिमाग के अखाड़े में मचा क्यों देते हैं, इन सब विषयों पर बात करते हैं। मैं आज की बात शुरू करूं उससे पहले आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। एक बच्ची थी, बहुत टैलेंटेड। मैं उसको बहुत छोटी सी थी तब से जानता, मैंने उसकी ग्रोथ देखी, उसके स्कूलिंग देखी। स्कूल में सारी टीचर्स उसको जानती थी, सारे सीनियर्स सारे जूनियर्स उसको जानते थे। कभी वो डिबेट में मेडल लाती थी, कभी वो पढ़ाई में मेडल ले आती थी, कभी वो स्पोर्ट्स में मेडल ले आती थी, थिएटर भी कर लेती थी, स्टेज पर डांस भी कर लेती थी। वह हर फन मौला थी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी इज्जत करते थे और वो कॉन्फिडेंस से लबरेज थी, भरी हुई थी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे जब वही बच्ची ट्वेल्थ की ओर बढ़ती है तो कुछ चीजों में कमजोर होती जाती है। वही बच्ची जब ट्वेल्थ पार करके यूनिवर्सिटी में पहुंचती है तो बहुत सारी चीजों में अचानक कमजोर होने शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली हर कॉन्फिडेंस लोअर्स डाउन, शी लूजेस कॉन्फिडेंस। एंड इफ वन लूजेस द कॉन्फिडेंस कंटिन्यूअसली, ही और शी लूजेस द टैलेंट ऑल्सो। उनका भी टैलेंट धीरे 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 कम होता चला गया। यूनिवर्सिटी में जाने के दूसरे और तीसरे साल तक आते आते वह एक बिल्कुल सामान्य साधारण सी लड़की होकर रह गई। एक लड़की जो जबरदस्त डायनामिक थी, जिसको सब जानते थे, वह एक बेहद साधारण सी लड़की होकर रह गई, जिसकी आंख के नीचे गड्ढे थे, जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं होती थी, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था, उसमें उमंग और उत्साह भी नहीं था, उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। वो बच्ची जो एक वक्त टीचर्स में, जूनियर्स में, सीनियर्स में, फ्रेंड्स में घिरी रहती थी, आज उस बच्ची का कोई फ्रेंड आसानी से नहीं बनता था। पास पड़ोस के लोग भी उससे पूछते थे क्या हो गया तुमको, और उसके पास कोई उत्तर नहीं होता था, बस अंकल सब। लेकिन वह अकेले में रोती थी, परेशान होती थी। लेकिन आज का माहौल कुछ अजीब सा है। उसके पेरेंट्स वर्किंग हैं, उसके पास कोई ऐसी दोस्त या ऐसी सखा सहेली नहीं है जो उसकी बात को सुन सके। कोई किसी के इमोशंस को सुनता है भला आज? हु इज द टाइम टू लिसन टू अदर्स? देर इज नो, वर्चुअली नो इमोशनल शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, नॉट इवन विथ पेरेंट्स, इवन टीचर्स टू डोंट हैव टाइम। किससे कहे? और ये बच्ची धीरे धीरे घुटने लगी, जैसे देश के लाखों करोड़ों लोग घुट रहे हैं अंदर अंदर, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है, ताकत है, जिज्ञासा है। जिसके पास पोटेंशियल होता है उसके पास 100 फील्ड्स खुलती हैं, उसी के पास जिज्ञासा होती है। लेकिन अगर जिज्ञासा अनुत्तरित रह जाए तो रास्ते बंद होते चले जाते हैं। यही उस बच्चे के साथ हुआ। यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ
क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वह मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, डज सो मैनी वर्क्स एट अ टाइम, और यही चीज उसके लिए घातक हो गई। घातक क्यों हुई? क्योंकि जब हम बहुत टैलेंटेड होते हैं तो हमारे मन में विचार बहुत सारे आते हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, हम गायक भी हैं, हम डांसर भी हैं, हम डिबेटर भी हैं, हम घर भी अच्छा रख लेते हैं, हम पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं, हमें बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कॉलेज में, क्लास में, स्कूल में हम जब घुसते हैं तो ऐसा लगता है दिस इज माई ओन टेरिटरी, सो मैनी पीपल आर विशिंग मी। हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, उनकी समस्याओं में, चूंकि हम कॉन्फिडेंस से भरे हुए, हम उनकी समस्याओं में भी जा कूदते हैं। इससे हमारे मन में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति खराब होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसके विचार फैल गए और बिखर गए तब घातक हो जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जो आज का विषय है, हाउ टू कंट्रोल माई थॉट्स। और कैन आई कंट्रोल माई थॉट्स? हाउ टू बी द बेस्ट? यहीं से उसके मन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो परवान चढ़ती हैं। लेकिन हाउ टू सस्टेन विद माई एम्बिशंस? अब ये सारे प्रश्न आते हैं। आज मैं यहीं रुक रहा हूं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कल मिलेगा आपको, मिलेगा जरूर। यही वह कार्यक्रम है जो आपकी जिंदगी का संबल बने, ऐसी प्रभु से प्रार्थना मैं करता हूं। सो मैनी क्वेश्चंस बिकॉज यू आर टैलेंटेड, सो मैनी क्वेश्चंस बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग, सो मैनी क्वेश्चंस बिकॉज यू आर एम्बिशियस एंड यू वॉन्ट सक्सेस। Probably, I'll be able to answer the questions in a more practical and pragmatic way. So, tomorrow, I'll discuss the thought process, the power of thought, and probably how to control them. Keep watching Divine Meetings with Shri Guru Pavanji on my YouTube channel. Wish you all the best. Prabhu ki aap par dher sari kripa ho. आप खूब चमके। राम राम, भारत माता की जय।